चलू अब हमरे मन आगे बढ़ब और जानब रामदाना कर खेती का लखे करल जाए। खेत कर तैयारी, खेत के दो तीन धाव जोत के बेस नियर भुरभुरा और खर पतवार निस्काय के सफा कर देक चाहिए। खेत में ढेला मन नी रह चाहिए। बुने कर बेस बेरा का है। रामदाना के अक्टूबर कर दूसर हफ्ता से नवंबर कर दूसर हफ्ता में बुन देख बेस रहे। बुनेक में देरी होले उपज में कमी हो जाए। बिहीन के 1.5 सेंटीमीटर से 2.0 सेंटीमीटर ऐद का गहरा नी लगाक चाहिए। इकर उन्नत प्रभेद कौन कौन है? रामदाना कर उन्नत प्रभेद में GA1, GA3, BG2, सुवर्णा प्रमुख है। GA1 उन्नत प्रभेद लगिन बिहीन लगाए कर दूरी 45 से 15 सेंटीमीटर रह चाहिए। इकर तैयार हो एक दिन 140 से 145 दिन रहेल। और इकर से औसत उपज कितना भेटायल? 13 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। अब आगे बिहीन कर दर। दर में बिहीन दर 1.5 से 2.0 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 2.5 से 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टर होयल। इकर ले उर्वरक कौन कौन है और उकर प्रयोग का लखे करल जाए। रामदाना कर बेस उपज पैक ले यूरिया कर प्रयोग 132 किलोग्राम प्रति हेक्टर में करेक चाहिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट कर प्रयोग 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर में होयल बेस। रामदाना कर बेस उपज पैक लगिन यूरिया कर प्रयोग 132 किलोग्राम प्रति हेक्टर में करेक चाहिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट कर प्रयोग 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर में होयल। और म्यूरेट ऑफ पोटास कर प्रयोग 34 किलोग्राम प्रति हेक्टर में करेक चाहिए। इकर निकाई और गुड़ाई। इकर में दो धाव निकाई गुड़ाई करेक दरकार रहेल। पहल निकाई गुड़ाई कर 20 से 25 दिन कर बादे पहल निकाई गुड़ाई करल कर 20 से 25 दिनक बादे और दूसर धाव बुने कर 40 दिनक बादे करेक चाहिए। पहल धाव कर निकाई बेरा ऐधका पौधा मन के छाँट के निस्काय देख चाहिए। आगे है कटनी, दौरी और उकर भंडारण। फसल जखिन पियर हो जाए सेहेखन काट लेक चाहिए। फसल के काट के सफा भूई में या कि तिरपाल में सुखाए के बीजा के निस्काय देवे। बीजा कर नमी 10% कम हो जाए तभे इकर भंडारण करे। बीजा कर नमी जखन 10% कम हो जाए तखने इकर भंडारण कर लेवे।